शराब नीति केस में रविवार को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करे। सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया से 8 घंटे पूछताछ की थी। वहीं सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं, जिन्हें एक केंद्रीय एजेंसी ने एक साल से भी कम समय में गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जो कि अभी जेल में है। वहीं सिसोदिया अभी सीबीआई दफ्तर में है। आज दोपहर 1 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। वहीं पेशी से पहले उनका मेडिकल किया जाएगा। बता दी सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि सिसोदिया से जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। वहीं गिरफ्तारी शराब नीति में गड़बड़ियों और इसके जरिए निजी लाभ पहुंचाने के मामले। आपको बता दें कि सिसोदिया ने कल खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था कि आज फिर सीबीआई ऑफिस जा रहा हूं, जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार वो करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद साथ है। मैं कुछ 7-8 महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ये पहले ही आशंका जताई थी कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कल हो सकती। वहीं बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के लिए भी मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही है। कुल 7 सदस्यों वाली दिल्ली कैबिनेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा 6 अन्य मंत्री हैं। सीएम के पास कोई मंत्रालय है नहीं। बाकी के 6 मंत्रियों में से एक सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ जेल में हैं। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर रखा है। अब मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार हो जाने से सरकार की दिक्कतें और बढ़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी सत्येंद्र जैन को अभी तक उनके पद से नहीं हटाया है। वह सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं। वहीं जैन के जेल जाने के बाद उनके ज्यादातर मंत्रालय मनीष सिसोदिया को सौंपे गए थे। उसी के चलते सिसोदिया के पास इस वक्त 18 मंत्रालयों का जिम्मा था। इसमें फाइनेंस, पीडब्ल्यूडी, पावर, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, होम, विजिलेंस, प्लानिंग, सर्विसेज, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट जैसे सरकार के ज्यादातर प्रमुख विभाग शामिल हैं। वहीं सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद अब यह विभाग कौन संभालेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दिल्ली सरकार का बजट कौन पेश करेगा, इस पर भी अब सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बजट तय समय पर पेश नहीं हुआ तो सरकार के सामने नई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वित्त मंत्री के रूप में बजट बनाने में अपनी व्यस्तता का हवाला देकर ही सिसोदिया ने पिछले हफ्ते सीबीआई से पूछताछ में शामिल होने के लिए कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। उसी के बाद सीबीआई ने उन्हें एक हफ्ते का वक्त देकर रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।